आज की क्लास का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यूज में भी, अगर आप आगे इन फ्यूचर किसी भी टाइप का कोई कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम देते हैं इन फ्यूचर में, तो वहाँ पर अगर आपका इकोनॉमिक सेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा, चलो फ्यूचर की बात तो छोड़ देते हैं, ये टॉपिक ही अपने आप में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का नाम है, टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि पहले क्वेश्चन क्या है, क्या सीखने जा रहे हैं हम, उसके बाद क्या सीखेंगे वो उसके बाद की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एट अ टाइम एक सिंगल कमोडिटी का ही कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे कि कई बार होता है मैं एक बार में दो चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे होते हैं, लाइक हम कोल्ड ड्रिंक आपके हाथ में और समोसा भी है, तो ये तो टू कमोडिटी हो गया। बट आप एट अ टाइम सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में आप कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज को अचीव करेंगे। तो अब आपको सिंगल कमोडिटी का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन अभी भी आपके माइंड में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर के क्वेश्चन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इसका मैं एक सिंपल सा आंसर करता हूँ कि जब कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर देता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा एग्जांपल से इस चीज़ को हम समझते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो और बेटर तरीके समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन लेंगे तो कंफर्टेबल रहोगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस में फॉर एग्जांपल आपके पास में बच्चे 1000 रुपीज़ है आपका बजट, पापा ने आपको 1000 रुपये दिए और बोले बेटा मार्केट से अपने लिए कोई कपड़े आप ले आओ फेस्टिवल का टाइम है, तो आप जो है 1000 रुपये में 1000 के अकॉर्डिंग, उस बजट के अकॉर्डिंग मार्केट एक चूज़ कर लेते हो कि भाई इस मार्केट में मिलेगा इस बजट में, तो क्या कलर है, क्या डिज़ाइन है और क्या लेना है आपने, वो भी आपने अपने माइंड में घर में ही सेट कर लिया कि लगभग लगभग कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा लूँगा मार्केट में। लेकिन आप जब मार्केट जाते हो तो मार्केट के अंदर आप पहुँचे भी नहीं, मार्केट से जस्ट कुछ पहले ही आपको वो चीज़ डमी पे लगी हुई नज़र आ गई जो कि आपने माइंड में सोचा था आपके बजट में। तो जनरली आप ऐसा, मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं करोगे रिक्शे से उतरे और बाइक स्कूटी से उतरे और आपने बोला कि भैया इसको पैक कर दो पैसे देके घर आ गए, ऐसा तो नहीं करने वाले। मन में ख्याल आएगा कि यार शुरुआत में ही अगर मेरे को जो चाहिए तो वो दिख रहा है तो अंदर ना जाने पता नहीं क्या क्या हो सकता है, तो उस समय आपको ये एहसास नहीं है कि ये जो आपको मिल रहा है ये आपके बजट में आपको बेस्ट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इससे भी कुछ बेस्ट है, इससे भी कुछ मैक्सिमम हो सकता है। इसलिए आप क्या करते हो, बोलते हैं पहले मार्केट में जाते हैं, मार्केट में गए एक दुकान पे गए, चीज़ें देखिए कुछ चीज़ें पसंद भी आई, बट आपने सोचा कि यार इससे भी बेस्ट हो सकता है कुछ, दूसरी दुकान पे गए, हम जनरली ऐसे तो करते हैं, तीसरी दुकान पे गए और फाइनली 2-3 दुकान घूमने के बाद जब हम इसको एनालाइज़ करते हैं कि यार मेरे पैसे में मुझे मैक्सिमम कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, फिर रिलाइज आया आपको यार पहले वाला ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो आप जग गए और उसको पहले वाले को फिर आपने बाय करा। अब मेरा सवाल ये कि जब आपको उसको बाय ही करना था तो आपने इतना टाइम क्यों अपना वेस्ट किया, आप स्टार्टिंग में ले लेते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रियलाइज़ नहीं था कि ये आपको यही आपका हाईएस्ट है, इससे भी आपको हो सकता है, पर जब पूरी मार्केट घूम लिया आपने तब रियलाइज़ हुआ कि भैया मुझे मैक्सिमम। तो जब आप को रियलाइज़ होता है कि आपके इस बजट में ये आपको मैक्सिमम सेटिस्फाइड करेगा, हाँ इससे ज़्यादा भी कुछ सेटिस्फाइड कर सकता है लेकिन वो आपके बजट से बाहर है तो उसकी तो बात ही खत्म कर दो। आपके बजट में जो आपके पास में ऑप्शंस हैं, अब आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो i10 लेकर आ रहे हो और अब फरारी उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड कर सकता है मानता हूँ, मैं बात उसकी नहीं करूँगा ना फरारी की क्योंकि आप उसको ले नहीं सकते हो, बात मैं किसी करूँगा, वो जो आपका जो बजट है उतने में जो जो से कार के ऑप्शंस हैं उनमें से आपको क्या मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है, जब आप उसको आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है आपके बजट में, देन आप उसको बाय करने का डिसीजन लेते हो, और जब आप उसको बाय करने का डिसीजन लेते हो उसका मतलब क्या हुआ, आप इक्विलिब्रियम के स्टेज पर आ गए हो। वो अगर अगला बोले कि भैया ये वाला कपड़े मत लो या कुछ और ट्राई कर लो तो डमी के लिए हमारा, तो आप बोलोगे फिर मैं ले नहीं रहा। तो जब आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड होते हैं तो आप उसमें कोई चेंजेस भी पसंद नहीं करते हैं, यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि आप अपने गिवन इनकम से अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करो। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि आपको अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करना है इन द केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी, मतलब कि एक कम्युनिटी कंजम्पशन करते 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 कब आपको रियलाइज होगा कि भैया बस अब और कंजम्पशन नहीं करना, कब रियलाइज होगा आपको ये? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द
एक्सप्लेन वाई द प्राइस विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, ये तो बात की बात है. एक्सप्लेन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड, हाउ डज द कंज्यूमर डिसाइड एज द हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द दैट गुड टू बी बाय. कंज्यूमर, ये सेम ही क्वेश्चन है सब. आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि आपको किसी कॉमोडिटी की कितनी यूनिट का कंजम्पशन करना है, लाइक कितनी आइसक्रीम खानी है, कितने प्लेट गोलगप्पे खाने हैं, कितनी चपाती खानी है, ये आप डिसाइड कैसे करते हो अपने वांट्स को देख करके. तो चलो मैं आपका एक एग्जांपल से समझता हूँ, सर समझिएगा. आपका आंसर आया कि हम हमारी वांट्स को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इसकी कितनी यूनिट का कंजम्पशन करना है. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा. आप कहीं पर बिल्कुल 45-47 डिग्री का टेम्परेचर का माहौल है, बिल्कुल मई जून का गर्मियों का, आप बस में बैठे, आप पानी ढूंढ ही रहते हो, उतने बस आ गया, सोचा यार बस निकल गई, फिर खड़ा रहना पड़ेगा, चलो पानी बाद में पियेंगे, और बस में बैठ गए. अब तो भैया 2 घंटे बाद ही स्टॉपेज है आपका. उतरोगे, फिर वहाँ से कोई बस का कोई खास रूट बातें है, बट पता नहीं कितना वेट करना पड़ जाए, उतरना चाह नहीं रहे हो. सोचा अपने स्टॉपेज पर ही पानी पियेंगे, बड़ा कंट्रोल कर रहे करते हुए 2 घंटे अपने टाइम निकाला. उतरे, सबसे पहला आपका काम क्या होगा? पानी पीना. घर वहाँ से है 5-4 किलोमीटर, रिक्शा लेके जाओगे, वो सब बाद में, रिक्शा उक्शा. अब तो प्राण जाने का हो रहे हैं, तो पहला काम क्या है? पानी. आप देखते हो कोई दुकान उकान, तो कहीं तो दुकान उकान तो दिख नहीं रही है, बस एक जो पानी देते हैं पंप कर करके ग्लास में हैंडपम्प से, वो एक आपको दिख गया बस स्टॉप पे. आप बस प्रभु का शुक्रगुजार करते हुए अब भागे उसकी तरफ, और कहीं दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, रेगिस्तान टाइप का पूरा एरिया है, पूरा गर्मी जबरदस्त. आपने कहा कि भैया कितने रुपये गिलास है? उसने कहा जी अकेला ही है भैया, उसका तो फ़ायदा उठाएगा, वो 100 रुपये गिलास है. बट अब तो ऐसा है कि आपको चक्कर खा के गिर जाओगे, नहीं पियोगे तो आप क्या करोगे? 100 रुपये दे करके एक गिलास पानी पी लोगे, क्योंकि अब आप पीक पे हो बिल्कुल, अब आप और वेट नहीं कर पाओगे, 100 रुपये में एक गिलास पानी पी लोगे. क्या आपकी वांट्स फुलफिल हो जाएगी? फिर तो मुझे लगता है दूसरे गिलास ही पियोगे, तीसरी भी पियोगे, चौथी भी पियोगे, 4-5 गिलास पी के जाओगे 500-700 का पानी. मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करोगे. एक गिलास पानी पियोगे, फिर क्या करोगे? बोलोगे फिर घर जाके पी लेते हैं. इतना तो हो ही गया कि आप रुक सकते हो 15-10 मिनट, नहीं तो ऐसे तो तुम 500-600 रुपये का पानी पी के जाओगे, पता लगे 10 रुपये की बस की टिकट लगी है, यहाँ 500 का पानी पी के घर पर पहुँच रहे हो. तो एक गिलास ही पानी पियोगे और फिर अपने घर जाओगे. आपने कहा कि हम किसी कम्युनिटी के कितने यूनिट का कंजम्पशन करें, ये हमारी वांट्स पर डिपेंड करता है. तो मुझे तो लगता है कि एक ग्लास वाटर में आपकी वांट्स तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपने उस सिचुएशन में क्या करा? एक ही ग्लास पानी पिया. तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. बात समझ में आया? चलो अगर आपको लगता है करेक्ट है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. सेम सिचुएशन है. अब वो पानी का ग्लास जो है, अगर वो ग्लास 10 रुपये होता, जब भी चलो 2 रुपये गिलास होता, तो क्या आप एक गिलास पी के घर चले जाते? 1-2-3 पी लेते. तो अब आपकी वांट्स कैसे भाई ज़्यादा हो गई? वांट्स तो आपकी उतनी ही है, बट अब आपने ज़्यादा ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन करा और उस टाइम पे कम यूनिट का कंजम्पशन करा, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपकी वांट्स पे डिपेंड नहीं करती है, ये उसकी प्राइस पे भी डिपेंड करता है. तो अब मेरा फिर से क्वेश्चन है, आप किसी कमोडिटी के कितने यूनिट का कंजम्पशन करेंगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्राइस और आपके वांट्स दोनों पे. चलो ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आपने सेकंड ग्लास वाटर क्यों नहीं लगाया जब 100 रुपीज़ ग्लास वाटर था? क्योंकि आप हमेशा एक कंज्यूमर ये देखता है कि जो मैं पे कर रहा हूँ उतना मैं रिसीव कर रहा हूँ नहीं कर रहा, उतना वर्थ मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका. अगर उतना वर्थ नहीं मिल रहा है मुझे, हालांकि मेरे लिए यूजफुल है वो, बट उतना वर्थ नहीं है जितना मेरे पेमेंट जा रहा है, तो मैं उसको बाय नहीं करूँगा. अगर मैं जितना पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा वर्थ है उसका, तो मैं खुशी खुशी बाय करूँगा. तो कहीं ना कहीं हम जब तक कंजम्पशन करते हैं, जब तक कि मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल और जो हम पे कर रहे हैं पैसा, दोनों इक्वल नहीं हो जाए. अगर मैं जो पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपने एक गिलास पानी लगाया 2 रुपये गिलास पिया, 2 रुपये से तो ज़्यादा ही मज़ा आया है. फिर एक गिलास लगाया, फिर पिया, फिर एक गिलास 2 रुपये दिए, फिर पिया आपने, तो अभी तक आपको जो है 2 रुपये से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, तो इसलिए आप आगे भी बाय कर रहे हो, क्योंकि आपका पैसा वसूल हो रहा है.
आगे एक टाइम ऐसा आएगा आपको 2 रुपये लगेगा महंगा यार, बोलोगे यार 2 रुपये क्यों बर्बाद करूँ अपने, थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा या तो आगे चल करके आपको वो पैसा भी 2 रुपये भी महंगा लगने लग जाएगा, तो फिर आप उस समय बोलोगे नहीं नहीं अब मैं और नहीं पीऊँगा। समझ में आया, क्लियर है? तो जब प्राइस लो है सेटिस्फेक्शन ये आया, और आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो, हाँ जी मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का आप कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे तो नेक्स्ट यूनिट से सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, कम मिलता है आपको अगली, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन आपकी वांट्स पर डिपेंड करता है, और आपने एक चपाती खाया वांट्स कम हो गया तो नेक्स्ट चपाती पहले से कम मज़ा देगा, नेक्स्ट चपाती उससे भी कम मज़ा देगा। तो पहले क्या था, ये आपका सेटिस्फेक्शन और पेमेंट भी ये, तो एक ग्लास वाटर पिया आपने 100 रुपीज़ ग्लास में, सेकेंड टाइम सेटिस्फेक्शन यही मिलेगा या वो कम होगा? तो यार मिल तो रहा है पर मेरी पेमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सेकंड ग्लास वाटर नहीं पिया क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम हुआ। सेम सिचुएशन, पेमेंट मेरी अब लो है 2 रुपये ग्लास वाटर पिया, नेक्स्ट में मेरा कम यहाँ पर भी होगा लेकिन मेरी पेमेंट से तो हायर है तो मैं बाय करूँगा, नेक्स्ट टाइम कम होगा बट मेरी पेमेंट से तो हायर है तो मैं बाय करूँगा, नेक्स्ट टाइम अब देख रहा हूँ मैं किसके बात, तो ये इसका नेचर डिमिनिशिंग नेचर है, आगे मेरी पेमेंट से 2 रुपये से भी नीचे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मैं बाय नहीं करूँगा, तो मैं कब तक बाय करता हूँ, जब तक मेरा पेमेंट और सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल नहीं हो जाए, ऊपर रहेगा तो कंटिन्यूसली कंजम्पशन करूँगा, इक्वल रहेगा वो लास्ट रो रहेगा, उसके आगे तो बेवकूफ़ी है। समझ में आया बच्चे? तो आपको क्या पता लगा कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसे किसी कम्युनिटी की कितनी यूनिट का कंजम्पशन करना है, जब उस जो पे कर रहा है और जो सर्टिफिकेशन वो रिसीव कर रहा है, जब तक तो वो इक्वल नहीं आ जाए तब तक वो कंजम्पशन करता रहेगा, जब तक तो वो इक्वल नहीं आ जाए तब तक तो कंजम्पशन, उसके बाद कंजम्पशन, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से सर्टिफिकेशन लेवल फॉल होगा बट पेमेंट तो आपका कॉन्स्टेंट है, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है। ये समझ में आया आपको? तो आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को तसल्ली से एक्सप्लेन कर रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है अंडर विच ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन परचेस ऑफ अ कमोडिटी इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम यूटिलिटी मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड ही फील्स नो अर्स टू चेंज। समझ में आया क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन? वो अपने गिवन इनकम को स्पेंड कर रहा है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले और सिचुएशन में कोई चेंजेस वो नहीं चाहेगा। अब कंज्यूमर परचेसिंग अ सिंगल कॉमोडिटी विल बी एट अ इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स बाइंग अ सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी विच गिव्स हिम, जब तक तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है तब तक वो बाय करेगा। कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करेगा, टू फैक्टर्स पे, वन प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट्स, एक तो उस कॉमोडिटी के प्राइस पर और जो उस कॉमोडिटी से सर्टिफिकेशन लेवल मिल रहा है उस पर, दोनों पे डिपेंड करेगा। अब मैं इस सब को पढ़ूँ इतना, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊँ, इन सब की मैं बात करूँ, टेबल समझ लोगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है बच्चे? देखो टेबल समझ गए तो पूरी थ्योरी समझ में आएगी अब आपको। लाइक मैं कोई एक कमोडिटी कंजम्पशन कर रहा हूँ, मान के चलो ये आइसक्रीम है, क्या ये आइसक्रीम है, तो मैं फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूँ और उसका प्राइस क्या है, 10 रुपये, और उससे एक सेटिस्फेक्शनेबल मुझे मिला, कुछ भी बोल दो उसको, लेट कर लो, जो सेटिस्फेक्शनेबल मिला मुझे 20 यूटिल्स मिला, ठीक है बच्चे? क्लियर है? उसको मैं पूरा टेबल खुद ही बनाऊं या ऐसे समझ में आ जाएगा या खुद मैं क्रिएट करूं, बताओ? कई बार ऐसे होता कि समझ में नहीं आया, पूरा सामने दिख रहा, आ जाएगा ना? देखो तो बच्चे फर्स्ट आइसक्रीम प्राइस क्या है, 10 रुपीज, उसे सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिला? अब एक बार बताओ मुझे, 10 रुपये 10 किलो ज़्यादा होता है या 10 किलोमीटर ज़्यादा होता है? तो कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? हाँ कंपेयर नहीं कर सकते। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या सिखाया,
हम देखते हैं कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो और जो हमें सर्टिफिकेशनेबल मिल रहा है वो दोनों इक्वल है या नहीं है, तब तक कंजम्पशन करेंगे। और जब मेरा सर्टिफिकेशनेबल ज़्यादा है मेरे पेमेंट से तो मैं कंजम्पशन कंटिन्यूसली रखूँगा, जो पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं कंजम्पशन करूँगा। और कब तक करूँगा, जब तक दोनों इक्वल। अब यहाँ पर एक समस्या है कि सर ये बात तो ठीक है आप, लेकिन ये चीज़ें आप पेमेंट जो कर रहे हो वो प्राइस जो पे कर रहे हो रुपीज़ में, और जो आपको सर्टिफिकेशनेबल मिल रहा है वो यूटिल्स में, तो कंपेयर कैसे करोगे कि भैया ये ज़्यादा है या इससे कम है या इसके बराबर है। जैसे कि आप ये नहीं बता सकते कि भैया 10 किलो 10 वर्ष से ज़्यादा है कम है या बराबर है, बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते, कि दोनों डिफरेंट यूनिट्स है। तो ऐसी इसी तरीके से प्राइस किस में एक्सप्रेस्ड है और सेटिस्फेक्शन मार्जिन मीन सेटिस्फेक्शन किस में एक्सप्रेस है, तो कैसे कंपेयर कर दोगे प्राइस ज़्यादा है या सेटिस्फेक्शनेबल ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक और टास्क आ गया, क्या हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को रुपीस में ट्रांसफ़र करेंगे, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल को रुपीस में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट करने वाली बात आ गई अब, तो भैया मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 रुपीस में की वर्थ है 1 यूटिल्स। नहीं आई बात समझ में? 1 रुपीस मीन्स क्या हो गया, 1 रुपए में कितना यूटिल आता है आपको। जैसे कि इस समय 1 तोला सोना 70,000 रुपये का है, 10 ग्राम गोल्ड, 1 तोला सोना 70,000 का इस समय। तो मैं कहूँ मेरे पास में 2 तोले सोने हैं, मतलब क्या है 1,40,000 रुपये, तो आपने मनी में ट्रांसफ़र कर दिया ना उसको। अब इस पे 1,00,000 रुपये मेरे पास 2 तोले सोने हैं, ज़्यादा वर्थ कौन कैरी कर रहा है, क्योंकि आप मेरे 2 तोले सोने से कंपेयर नहीं कर रहे हो, उसके मनी से कंपेयर करके बता रहे हो मैं ज़्यादा हूँ। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर जैसे लाइक 1 तोला सोने के रेट 70,000 है, वैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 1 रुपीस में 1 यूटिल आ रहा है, 1 यूटिल्स आ रहा है, मैं लेट कर लिया, ठीक है। तो 2 यूटिल्स मीन्स कितने रुपए का मजा ले लिया, 4 यूटिल मतलब। तो जो 1 रुपीस में जो आपको सेटिस्फेक्शनेबल मिलता है ना, जो 1 रुपीस में जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं MU, उसको बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, पता लगा। 1 रुपीस में जितना आपको सेटिस्फेक्शनेबल मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ मनी। 1 रुपए में कितना मिल रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 20 रुपए पे करा, अब इससे हटके बात कर रहा हूं, 100 यूटिल्स का मजा ले लिया, 20 रुपए पे करा 100 यूटिल्स का मजा ले लिया, तो 1 रुपए में कितने यूटिल्स आ रहे हैं मेरे को, यहां पे देखो 20 रुपए पे करा 100 यूटिल्स का मजा आया, तो 1 रुपए में कितने यूटिल्स आ रहे हैं, 5, तो 1 रुपए में 5 यूटिल्स, तो कैसे निकाला, 100 डिवाइडेड बाय 20, ये 100 क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, 20 क्या है प्राइस ऑफ एक्स, और 5 यूटिल्स क्या है 1 रुपए में कितना सर्टिफिकेशन मिल रहा है, MUM। तो इसका मतलब क्या हुआ, MUM इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन सॉरी सेटिस्फेक्शन लेवल इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। MUM मीन्स क्या होता है, 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन लेवल आ रहा है, उसको कैसे निकालते हैं, सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, क्लियर है। एक्स मीन्स कोई कॉमोडिटी एक्स है उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और एक्स मीन्स प्राइस उसका। ये दोनों टर्म्स क्लियर हुए आपको, MUM क्या होता है, हाँ बच्चे ठीक है। तो चलो मैं तो अपने कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन को, इसलिए मैंने सिंपल मान लिया, 1 यूटिल्स मतलब 1 रुपया, 4 यूटिल मिल रहा है मतलब 4 रुपये, 5 यूटिल मिल रहा है मतलब, सिंपल सी बात होगी, ज्यादा सदर्दी नहीं है ना भागवा करने की। तो ये तो भैया मार्जिन यूटिलिटी इन द यूटिल्स है, ये रुपीज है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मनी में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। जब मैं मनी में ट्रांसफर कर रहा हूँ, देखो इन रुपीज मार्जिन यूटिलिटी सेम, ये भी मार्जिन सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये भी सेटिस्फेक्शन लेवल है, बट ये यूटिल्स में एक्सप्रेस्ड है और ये रुपीज में, इसको रुपीज में ट्रांसफर कर रहा हूँ, कैसे, वही सेटिस्फेक्शन, और ये 1 रुपए में आ रहा है तो कितने का आ रहा है, 20 रुपए का मजा आया है ना। अगर 1 यूटिल्स मतलब 1 रुपया तो 20 यूटिल मतलब कितना हो गया, तो मैंने 10 रुपए पे करा, लुफ्त और मजा कितने का लूटा, फायदा हुआ मुझे, कंजम्पशन करना करूंगा नहीं करूंगा, कंजम्पशन मैं करूंगा। समझ में आया आपको, क्या मत क्या समझ में आया, प्राइस ऑफ एक्स से ज्यादा, समझ में आया, प्राइस से ज्यादा अगर आपको मजा आ रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे, कंटिन्यू करोगे, समझ में आया बच्चे। नेक्स्ट में क्या हुआ,
पे कितना करा मैंने? अब ये थोड़ी बोलोगे आइसक्रीम वाले से, अंकल अब तो देखो दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिलेगा तो आप रेट कम कर लो। बोलोगे भाई प्राइस तो वही रहेगा चाहे आपको मज़ा आए या नहीं आए, तो प्राइस तो 10 रुपीज़ ही पे करोगे, बट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल लो होगा। तो रुपीज़ में कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि आपने मेंशन कर दिया 1 यूटिल्स मीन्स 1 रुपीज़, तो 16 यूटिल्स में 16 रुपये, तो पे क्या कर रहे हो? 10 रुपीज़। मज़ा कितने लूट लिया? फ़ायदा हुआ। कंजम्पशन करोगे? कंजम्पशन करोगे। ठीक है बच्चे, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो प्राइस से ज़्यादा है। ये इतने का मज़ा लूट चुके हो, इतने का मज़ा लूट चुके हो, 16 का मज़ा आ चुका अब तक आपको, है ना? 16 रुपये का फ़ायदा ले ले चुके हो। चलो नेक्स्ट टाइम पे सेम, अब आपका बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी तो डाउन हो गई 10। कुछ बेनिफिट मिला? दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसके आगे तो पता है नुकसान है, क्यों? पैसा तो वही देना पड़ेगा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, तो मुझे आगे तो नुकसान है ना, तो इसके आगे कंजम्पशन करोगे? जब आपका प्राइस ज़्यादा है मज़ा कम है, तो आप क्या करोगे? कंजम्पशन डिक्रीज करोगे, मतलब नहीं करोगे। यहाँ कंजम्पशन करोगे, और कब रुकोगे? यहाँ पर आप रुक जाओगे, 3 यूनिट्स पे आप रुक जाओगे। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ग्राफ लाइक मार्जिन यूटिलिटी ग्राफ बना के मैंने बता दिया आपको कि कैसा बनता है और क्यों बनता है। ओरिजन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, और आपके पास में वाई हो गया, ओरिजन हो गया, एक्स हो गया, मार्जिन यूटिलिटी हो गया, और आपके पास में बच्चे क्वांटिटी। भाई बात समझ में आ रही है बच्चों? एमयू का डायग्राम कैसे बनाया था याद है आपको? कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद करो, पूर्व जन्म की घटना है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। अगर आप ये थोड़ा सा ये भी, क्योंकि पहले मैंने डिमांड वन पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया कि डायग्राम ऐसा क्यों बनता है, बट कोई बात नहीं, यहाँ से पकड़ लो। अभी रिविजन के लिए वीडियोज तो अवेलेबल है ही, बैकअप तो अभी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है? एमयू है, प्राइस, ये क्योंकि डिमिनिशिंग नेचर का होता है ना, जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी चला जाता है। प्राइस कैसा था हमारा? वो डिमिनिशिंग था या इंक्रीजिंग था या कांस्टेंट था? प्राइस, क्वांटिटी ज़्यादा लोगे तो प्राइस या उतना ही है? क्वांटिटी कम लोगे तो प्राइस नहीं लोगे तो क्या फ्री में कर देगा वो आपके लिए? अभी तो ले नहीं रहा, फ्री कर दिया, प्राइस तब भी सेम ही रहेगा। तो मतलब कि चाहे जीरो क्वांटिटी हो, ज़्यादा हो, कम हो, प्राइस तो भैया कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप जीरो कंजम्पशन करें तब सेम पे करना पड़ेगा, ज़्यादा करोगे तभी पे करना पड़ेगा। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों यहाँ पर इक्वल है, क्या? प्राइस और एमयू, एमयू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, इक्वल है ना? तो ये उसका इक्विलिब्रियम स्टेज है, कंज्यूमर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। इससे पहले अगर आप आ जाओगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसी क्या बात है भाई, जो कोई संकोच वाली बात ही नहीं है। ये आपका प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस लेवल है, प्राइस को टच करके आओगे तो प्राइस लेवल है, और सेटिस्फेक्शन लेवल को टच करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल है, तो हायर क्या है? तो बस रुक जाओगे या कंजम्पशन ज़्यादा करोगे? तो क्या आप इसी क्वांटिटी पे रुक जाओगे या कंजम्पशन बढ़ाओगे? तो इसलिए सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ नहीं होगा, वहाँ तो जाओगे नहीं, प्राइस ज़्यादा और मज़ा कम। देखो ये रहा मज़ा, है ना, और ये रहा प्राइस, प्राइस कर को टच कर रहे हो तो ये प्राइस, ठीक है बच्चे? तो ये तो जाओगे नहीं यहाँ पे कि भैया प्राइस इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है 100 रुपये और मज़ा 2 रुपये का आ रहा हो, तो कम होगा। तो आप कहाँ पे रुकोगे? जहाँ पर दोनों सेम है। सेम कहाँ होंगे दोनों? यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि देखो प्राइस को छू करके आ गया, प्राइस का लेवल ये है,
सेटिस्फेक्शन को भी यहीं पे टच कर रहा है, उसका भी लेवल भी दोनों क्या है सेम है। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई इसकी, क्लियर है। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसकी भी सुन लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एंड अ प्राइस कैन बी इफेक्टिवली कंपेयर्ड ओनली व्हेन द बोथ द स्टेटेड इन द सेम यूनिट। प्राइस और सेटिस्फेक्शन लेवल को तभी हम कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड हो। देयरफॉर द मार्जिनल यूटिलिटी इन द यूटिल्स इज द एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM। MU ऑफ MU किसे कहते हैं? MU ऑफ 1 रुपीज इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन द एक एडिशनल रुपीज इन स्पेंट ऑन द अदर गुड्स। 1 रुपए में जो सर्टिफिकेशन नंबर मिलता है उसे हम MUM बोलते हैं। एज यूटिलिटी इज द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? रुक जाओगे इस सिचुएशन में? ये देखो, ये सर्टिफिकेशन लेवल प्राइस से ज्यादा है, क्या करोगे? एक्स का कंजम्पशन कंटिन्यू करोगे। देन द कंज्यूमर इज नॉट एन इक्विलिब्रियम एंड गोज ऑन बाइंग बिकॉज द बेनिफिट इज द ग्रेटर देन द, समझ में आया आपको? इस सिचुएशन में क्या करोगे? जाओगे नहीं, पीछे आओगे। ऑल्सो द कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम, ही हैज विल बी द हैविंग द रिड्यूस द कंजम्पशन एट द कम्युनिटी ऑफ एक्स एंड रेज द टोटल सेटिस्फेक्शन टिल द MU बिकम्स इक्वल टू द प्राइस। क्लियर है बच्चे? अब कहानी समझ में आ गई? टेबल डायग्राम में ही आपको इतना पेज आपके आ जाएंगे, वही कहानी। लेट एस द डिटरमिनेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज द एंटायर इनकम ऑफ द सिंगल कमोडिटी। सपोज द कंज्यूमर वांट्स टू बाय द एक्स विच द प्राइस द 10 रुपीज पर यूनिट। फर्दर द सपोज दैट द मार्जिन यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द ई सक्सेसिव यूनिट इज द डिटरमाइंड एंड द गिवन इन द टेबल। He will not consume 4 unit X because उसे 4 रुपए का सर्टिफिकेशन मिल रहा है और आप उस पर पेमेंट 10 रुपए कर रहे हो। अब क्या कर रहा है? प्राइस कर्व क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन है। प्राइस फिक्स 10 रुपीज पर यूनिट फ्रॉम द गिवन शेड्यूल एंड अ डायग्राम। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ? हाँ या ना करके बताओ मुझे जरा। वो आपके अजम्पशन पर है बच्चे। हर बुक भव्य, वो हर बुक अपने अपने हिसाब से अजम्पशन लेता है। मैंने एक इजी टेबल को क्रिएट करने के लिए मैंने एक इजी अजम्पशन ले लिया है। कोई आपको लाइक बोल देगा कि 1 MUM इक्वल्स टू 4 UTs, इसका मतलब क्या हुआ? MUM इक्वल्स टू 4 UTs मतलब क्या हुआ? कि 1 रुपए में 4 UTs आ रहा है। 1 रुपए में अगर किसी को 20 UTs का मजा आया है और 4 UTs 1 रुपए वैल्यू क्रिएट रखता है, वर्थ रखता है 4 UTs, तो कितने रुपए का मजा आ रहा है उसको? 5 रुपए का मजा आ रहा है, क्योंकि 4 UTs 1 रुपए रखता है अगर है। तो क्या करोगे आप? तो इसका मतलब क्या हुआ? MUX और ये क्या है? 1 रुपए में कितने UTs? MUM सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस हो जाएगा कि 5 रुपए का मजा आ रहा है। ये क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ एक्स और ये क्या है? MUM। ये क्या है? 5 रुपए का मजा लूट लिया आपने, सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो हर बुक की अपनी एजम्पशन होती है। मैंने 1 रुपया लेकर के इसको इजी वे में एक्सप्रेस करा है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको या नहीं आया? नहीं आया तो बता दो भाई।